आदरणीय संजय मोयुख जी और यहां उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण, 26 फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकार्सरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। आज जो बेल मिली है उसमें आप ये देखिए कि चार्जशीट में क्या क्या चीजें उनके खिलाफ हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे। यह बोला गया है, और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला, अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। धन्यवाद। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर आपको बोलूंगी कि हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अरेस्ट को लीगल भी ठहराया और उनको कहा कि अगर आपको बेल की अर्जी फाइल करनी है तो ट्रायल कोर्ट जाइए। और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जस्टिफाइबल रीजंस हैं उनको अरेस्ट करने की। एक बात मैं आपको और इसमें जरूर कहना चाहूंगी,
माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ये जो हट है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, इसके कारण दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है। दिल्ली में गवर्नेंस जीरो है, दिल्ली में एक कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि जब विभिन्न कचहरियों ने उनकी जमानत भी रिजेक्ट करी और ये भी कहा है कि उनकी अरेस्ट भी लीगल है, तो उनको नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन देना चाहिए। यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने ऑर्डर में उनको ये संकेत जरूर दिया था, लेकिन शायद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा उन्हें कचोटती नहीं है। ये जो सत्ता का मोह है, हो सकता है ये सत्ता के अहंकार से उपजता है। अगर किसी को ये गलत फहमी है तो राघव चड्ढा जी की इस गलत फहमी का इलाज मेरे पास नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगी कि दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला ले जाने का पाप आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने जरूर करा है। वो मनीष अंकल जो एक पौवे के साथ दूसरा पौवा मुफ्त बांटते हैं, राघव चड्ढा जी को शायद काफी गलत फहमी है। माननीय मनीष ससोदिया जी ने एक क्षम्य पाप करा है, पाठशाला से बच्चों को मधुशाला ले जाने का पाप, दिल्ली की नस्ल खराब करने का पाप, दिल्ली में समाज को खराब करने का पाप। आपको याद होगा गली गली में एक एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के आगे आम आदमी पार्टी ने अपनी जेबें भरने के लिए ठेके खुलवा दिए थे। ये तो दिल्ली की RWA, दिल्ली की माताएं और बहनें और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के रेगुलर प्रोटेस्ट के कारण, धरना प्रदर्शन के कारण कुछ सुध लेकर इन ठेकों को बंद करवाया गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी का रुख भ्रष्टाचार पे क्या हो वो तो वही जानते हैं। इतना जरूर कह दूंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार की ये लड़ाई चुनावी मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारे लिए एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है।